सन 1900 में फिलिप लेनार्ड ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको इस फिगर में दिख रहा है। हम इस वीडियो में इस सेटअप को यूज करते हुए कुछ टर्म्स पे चर्चा करेंगे, उनमें से एक खास टर्म है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और साथ ही हम आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि इसी तरह का कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, कुछ इसी तरह का सेटअप को यूज करते हुए मिलिकन ने किस तरह से प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता किया था। वैसे मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका जो सेटअप था वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट और थियोरी बिल्कुल ऐसा ही था। तो चलिए देख लेते हैं ये जो सेटअप है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये कैसा है। सबसे पहले यहां पर आपको दिखेगा एक वैक्यूम ट्यूब, यहां पर ये ट्यूब है और ये वैक्यूम है, इसके अंदर कोई गैस नहीं है, है भी तो बहुत बहुत कम प्रेशर में है। यहां पर एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है, काम इसका आगे पता चलेगा। एक एमिट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा उसे कलेक्ट करेगा, एक एमिटर है दूसरा कलेक्टर है। चलिए आगे बात करेंगे। यहां से ये वाला जो प्लेट है ये इस तरह से आके एक बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, और ये बैटरी यहां पर देखिए एक सर्किट बना रहा है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ, इस रेजिस्टेंस के साथ। इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस हम क्यों कहेंगे, क्योंकि हम इसे जिस तरह से यूज करेंगे वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करेगा। दूसरा प्लेट जो है वो इस तरह से आके एक एमिटर से पास हुआ है, मुझे कहना चाहिए ये इस तरह से पास हुआ है, और ये है जॉकी, जो कि जिसका कि प्लेस वैरी करेगा, और हम इसे आगे बढ़ा के यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ा के हम इसे यहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसे हम चेंज कर सकते हैं जॉकी का पोजीशन को चेंज करते हुए, और बीच में यहां पर एमिटर लगा हुआ है। एमिटर क्यों लगा हुआ है, ये करंट को डिटेक्ट करेगा। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट हमें दिखेगा तो उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए ये है। अब चलिए देख लेते हैं ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसे हम किस तरह से यूज करेंगे। सबसे पहले देखें ये एक बैटरी है, तो अभी फिलहाल हम मान लेते हैं कि एग्जांपल के तौर पे कि इसका जो वोल्टेज है ये 6 वोल्ट का बैटरी है, मान लेते हैं 6 वोल्ट का बैटरी है, तो इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये पॉजिटिव 3 वोल्ट में होगा, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव 3 वोल्ट में होगा, एक रफ एग्जांपल है ये। तो फिर अगर आप देखें पोटेंशियल, अगर आप देखें इन दोनों प्लेट्स का तो कैसा होगा, तो यहां से आप देखें ये पॉइंट ये 3 वोल्ट में है और आगे एक सर्किट जुड़ा हुआ है इस तरह से, और वो यहां पर आके इस प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा, इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव 3 वोल्ट। अब अगर मैं जॉकी को कुछ इस तरह से सेट करता हूं, अभी फिलहाल मैं जॉकी का पोजिशन जो है वो थोड़ा चेंज करूंगा और उसे यहां से हटाते हुए, यहां से उसे हटा दिया जाएगा और जॉकी को आगे जहां जोड़ा जाएगा वो पोजीशन कुछ ऐसा होगा, हमने जॉकी को कर दिया यहां पर प्लेस बिल्कुल जो रेजिस्टेंस है उसके शुरुआत में ही। तो अब अगर आप देखें ये जो प्लेट है ये कितना पोटेंशियल में रहेगा, तो आप ये पाएंगे कि पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर कंसीडर करें अलग अलग पॉइंट्स का, तो यहां पर जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल होगा प्लस 3 वोल्ट, आगे बढ़ जाए चूंकि ये जो वायर है ये बहुत कम रेजिस्टेंस का वायर होता है, तो नॉर्मली जैसे हमेशा हम करते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है इतना कम है कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो यहां ये जो पॉइंट है यहां भी पोटेंशियल 3 वोल्ट का होगा, तो इस पॉइंट में भी पोटेंशियल 3 वोल्ट का ही होगा। अब यहां इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट होगा, ये आगे चल के ये सेम वायर है और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, तो यहां पर इस प्लेट का भी जो पोटेंशियल होगा प्लस 3 वोल्ट होगा, मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस है। वहीं पर अगर मैं इसे शिफ्ट करता हूं, यहां से इस चौकी को यहां कर दिया मैंने शिफ्ट और यहां पर मैंने इसे प्लेस कर दिया, अब क्या होगा, अब आप देखें कि पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर 3 वोल्ट होगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 3 वोल्ट नहीं होगा, क्योंकि यहां ये रेजिस्टेंस है, इसमें हाई रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर ओहम्स लॉ, तो यहां से करंट तो फ्लो करेगा ही, और इतना पार्ट का एक खास रेजिस्टेंस होगा,
तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस फॉर्मूले से हम कह सकते हैं कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। वहीं अगर आप इसी जॉकी को यहां पर प्लेस करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप 6 वोल्ट का होगा, क्योंकि ये 6 वोल्ट का जो ड्रॉप है यहां पर इस टर्मिनल का और इस टर्मिनल का जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस वो 6 वोल्ट का है, और उतना 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन कर रहा है, ये रेजिस्टेंस कर रहा। तो ये पूरा जॉकी को अगर हम यहां पर एंड में लगाते हैं तो फिर यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच का वो 6 वोल्ट का होगा। बीच में आप इसे वैरी करके 6 वोल्ट और 0 वोल्ट के बीच का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस बना सकते हैं। मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं इसीलिए मैं 6 वोल्ट बार बार यूज कर रहा हूं। आप अपने हिसाब से या फिर एक्सपेरिमेंट के डिमांड के हिसाब से यहां पर जो बैटरी है, जो सेल है, उसका जो पोटेंशियल है या फिर कहें वोल्टेज है, उसे चूज किया जा सकता है। तो ये रहा इसका सेटअप और ये किस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फिर से चौकी को कर देते हैं वहां पर प्लेस, कहां पर, शुरुआती जगह पे, मतलब कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को करेंगे जीरो। और यहां पर जब जॉकी था तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है यहां पर, तो यहां प्लस 3 वोल्ट नहीं होता बल्कि कुछ और ही होता। अब हम कर देते हैं यहां पर इस जॉकी को वापस से यहां शुरू में प्लेस, तो क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, 3 वोल्ट और 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल सेम, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। अब हमने क्या किया, जैसे कि हमें पता है कि अगर कुछ रेडिएशन होगा, खास फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा, तो जो मेटालिक प्लेट है वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करता है। पिछला वीडियो में हमने काफी चर्चा किया है इस पे, तो हो सके तो आप उस वीडियो को देख ले, बहुत सारे बेसिक चीजों पे हमने बात किया था। फिर भी जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगे उस पे हम इस वीडियो पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। अब क्या है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिस पे कि मुझे लगता है फिर से अगर हम चर्चा कर ले तो बेहतर होगा। जैसे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें यह मानना पड़ता है कि जो रेडिएशन है या फिर क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वो वेव की तरह बिहेव नहीं करता बल्कि पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वैसे बहुत सारे ऐसे भी जगह है जहां पर हमें लाइट का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेव नेचर भी दिखता है, जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो जो भी हो, इसका ड्यूअल नेचर होता है, कभी कभार हमें लगता है कि इसका पार्टिकल बिहेवियर है, कभी कभार हमें लगता है कि इसका वेव बिहेवियर है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस पे अभी हम चर्चा नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली ना तो ये वेव है ना ही ये पार्टिकल है। और साथ ही साथ पिछला वीडियो में हमने ये भी चर्चा किया था कि एक इलेक्ट्रॉन जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन के तौर पे एमिटेड होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है। और जैसे कि हमने बात किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें जो रेडिएशन है उसे पार्टिकल की तरह ट्रीट करना होगा, तो हम ये समझेंगे कि लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये वेव नहीं है बल्कि छोटे छोटे एनर्जी का पैकेट्स है जो कि एक ही जगह पे कंसेंट्रेटेड एनर्जी के तौर पे आगे बढ़ रहा है, जिसे कि हम कहते हैं फोटॉन्स। और एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे इस प्लेट में जो कि एमिट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये एमिट करेगा तो इसे एमिटर कहा जाएगा, और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा ये प्लेट तो इसे कलेक्टर कहा जाएगा। हमने करवा दिया रेडिएट, सो सबसे पहले मान ले एक लो फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है यहां पर इंसिडेंट कर रहा है इस प्लेट में। हमें पता है कि एनफ एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एक समय में, तो उसे यहां से बाहर निकलने के लिए, इस प्लेट से बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चूंकि चाहिए होता है, तो एनफ फ्रीक्वेंसी का, काफी फ्रीक्वेंसी का फोटॉन चाहिए होगा, जिसके पास उतना एनर्जी होगा वो जब यहां पर इंसिडेंट करेगा तभी यहां से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखेगा। जैसे कि ये हो गया ये वाला प्लेट मान ले, अब इसमें इंसिडेंट कर रहा है कुछ लाइट, यहां पर रेडिएशन हो रहा है रेड लाइट का मान ले, मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं। सो रेड लाइट में अगर काफी एनर्जी हो इसके फोटोन में, तो ही यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन के तौर पे एमिट करेगा, ये इसे अब्सॉर्ब करेगा, और बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, इस सरफेस को ब्रेक करने के लिए एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है, जिसे कि कहा जाता है वर्क फंक्शन, इसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं, और इसे हम नॉर्मली फाई से डिनोट करते हैं। सो ये मैटर नहीं करता कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं। सो वर्क फंक्शन जितना एनर्जी अगर इस फोटोन के पास होगा तभी जाके ये बाहर निकलेगा।
और हमें पता है कि फोटोन का एनर्जी कितना होता है, फोटोन का जो एनर्जी होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू इसका फ्रीक्वेंसी। तो ये एच न्यू जो कि इसका एनर्जी होगा, ये जब वर्क फंक्शन के बराबर होगा तभी जाके ये बाहर निकलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिखेगा। तो मान लें कि इस केस में हमें ऐसा दिखा कि रेड लाइट यहां पर इंसिडेंट होता है लेकिन कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिख रहा, हम कैसे समझेंगे? अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता, चूंकि ये वैक्यूम है, इसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो कोई रेजिस्टेंस भी नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलता तो ये आगे चल के इस प्लेट में कलेक्टेड होता, और अगर ये कलेक्टेड होता तो ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाता, यहां से एमिटर से पास होता और एमिटर में एक डिफ्लेक्शन हमें दिखता जो कि हमें नहीं दिखा इस केस में। मान ले ऐसा, तो हम समझेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नहीं दिखा, यहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं किया है। अब हम क्या करते हैं, धीरे 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 इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं। सो धीरे धीरे जब हम इसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हम ये पाएंगे एक ऐसा समय आएगा जबकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखने लगेगा। तो मान ले एक केस ऐसा है कि उसका एनर्जी हमने बढ़ाया, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, सो ये फोटोन अब येलो लाइट का फोटोन है मान ले, तो ये जब यहां पर इंसिडेंट करता है तब जस्ट हमें यहां पर एक छोटा सा डिफ्लेक्शन दिखता है। तो हम ये समझ गए कि ये वो फ्रीक्वेंसी है इस लाइट का, ये जो फोटोन है इसका फ्रीक्वेंसी जितना है ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि यहां से जस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, और हम इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो ये है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इस केस में, और इसे हम डिनोट करते हैं न्यू नॉट से। सो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये है थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट हमें दिखने लगा। अब हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है मैं यहां डिनोट कर दूं कि येलो लाइट का, इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से येलो लाइट का जो फोटोन है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब आगे हमने इसका जो फ्रीक्वेंसी है उसे थोड़ा और बढ़ाया और इसे हमने ब्लू कर दिया, स्काई ब्लू, तो एनर्जी और बढ़ गया। सो ये फोटोन जब इंसिडेंट कर रहा है तब यहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकलेंगे उसके पास काफी एनर्जी होगा। ऐसा क्यों होगा, चलिए बात कर लेते हैं। हमने पिछला वीडियो में बात किया था, फिर भी और एक बार बात कर लेते हैं। सो कोई काफी एनर्जी से बाहर निकलेगा, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा कम एनर्जी से बाहर निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, इसका एनर्जी ज्यादा क्यों होगा, चलिए यहां से देख लेते हैं एक बार। सो जब येलो लाइट यहां पर इंसिडेंट किया था तब जस्ट ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, सो जस्ट ये बाहर निकला, ये वर्क फंक्शन को ब्रेक किया। तो जब येलो लाइट यहां पर पड़ता है, वर्क फंक्शन ब्रेक होता है, इसका मतलब वर्क फंक्शन, ये जितना एनर्जी है येलो लाइट के फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन है उसके पास भी सेम एनर्जी है। तो यहां से हम एक छोटा सा इक्वेशन ऐसा बना सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन होगा, ये वर्क फंक्शन ये बराबर होगा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू नॉट, दैट मीन जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है, जो फोटोन है उसका जो एनर्जी होगा वो इतना है, और ये जस्ट वर्क फंक्शन को ब्रेक कर रहा, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर है। अब क्या है कि मान ले यहां पर और एक फ्री इलेक्ट्रॉन है सरफेस के बिल्कुल आसपास, अब हम थोड़ा ज्यादा एनर्जी का लाइट इस पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, इसके पास काफी एनर्जी है। अब इसके पास मान ले फॉर एग्जांपल येलो के पास एनर्जी था 3 यूनिट का और यहां ब्लू के पास मान ले एनर्जी है 8 यूनिट का, तो 3 यूनिट तो चाहिए होगा इस सरफेस को ब्रेक करने के लिए, दैट मीन वर्क फंक्शन भी 3 यूनिट का ही होगा। लेकिन इसके पास तो 8 यूनिट का एनर्जी है और पूरा का पूरा एनर्जी ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करेगा, दैट मीन 5 यूनिट का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मैं फिर से बता दूं ये एक रफ एस्टिमेशन है, आप कंपेयर ना करें कि 3:8 होगा या नहीं होगा ब्लू और येलो में या येलो और स्काई ब्लू में, सो रफ एस्टिमेशन है समझने के लिए। तो अब 5 यूनिट का जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो तो इस इलेक्ट्रॉन के पास रह गया, ये बाहर निकला, 3 यूनिट खर्चा हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो निकला इसके पास 5 यूनिट का एनर्जी है, दैट मीन ये काइनेटिक एनर्जी के तौर पर रहेगा इसके पास। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो 5 यूनिट का होगा या फिर जो भी इसके पास एनर्जी होगा काइनेटिक एनर्जी, उस एनर्जी से ये जाके इस प्लेट से टकराएगा काफी एनर्जी के साथ। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास और कम एनर्जी होगा,
ऐसा क्यों होगा, इस पे भी हमें बात करना है। कुछ के पास और कम होगा। तो मान ले ये वो प्लेट है जहां से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें दिख रहा है, या फिर जहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है मान ले सरफेस के बहुत करीब है, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है थोड़ा अंदर है। अब दो फोटॉन्स यहां पर इंसिडेंट करता है, मैं इसका कलर थोड़ा बदल दूं, यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक, ये इलेक्ट्रॉन दूसरा। तो यहां पर इंसिडेंट करता है फोटॉन एक, और ये इसे अब्सॉर्ब कर लेता है। उसी तरह से एक फोटॉन को अब्सॉर्ब करता है ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है पहला वाला, इसे निकलने के लिए, इस सरफेस को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक करके बाहर निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगा वो वर्क फंक्शन होगा, और यहां इसे बाहर निकलने के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, एक तो यहां से यहां तक इसे एनर्जी चाहिए होगा, क्योंकि इस मेटल का कुछ तो रेजिस्टेंस होगा। और हमें पता है अगर एक सर्टेन डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, और इस मेटल का अगर कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ये एनर्जी लूज करेगा उतना पाथ ट्रेवल करने के लिए। तो इसका कुछ एनर्जी लूज हो गया, मान ले यहां पर ये एनर्जी लूज करता है एप्सिलॉन, और फिर इस सरफेस को ब्रेक करने के लिए इसे और थोड़ा एनर्जी चाहिए होगा, जो कि बराबर होगा वर्क फंक्शन के। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कितना एनर्जी लूज करता है, ये सिर्फ वर्क फंक्शन वाला एनर्जी लूज करता है, और ये इलेक्ट्रॉन फाइ प्लस एप्सिलॉन इतना एनर्जी लूज करता है। तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल सरफेस के आसपास से निकलेगा उसके पास एनर्जी ज्यादा रहेगा, और जो थोड़ा अंदर से निकलेगा उसके पास एनर्जी थोड़ा कम रहेगा, और अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका एनर्जी और कम रहेगा। तो ये जाके काफी तेजी से टकराएगा, यहां पर ये थोड़ा कम तेजी से टकराएगा, और ये और कम तेजी से टकराएगा इस प्लेट में। अब हम क्या करते हैं कि हम पता करेंगे ये जो इसका काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास थोड़ा कम है, इसके पास और थोड़ा कम है, और इसी के पास जो है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, उसे हम पता करेंगे। उसे पता करने से पहले हम थियोरिटिकली ये देख लेते हैं कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है हम इक्वेशन से इसे कैसे डिपिक्ट करेंगे। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकला, ये ब्लू लाइट को अब्सॉर्ब करते हुए, इस फोटोन को अब्सॉर्ब करते हुए ये बाहर निकला, और इसके पास कुछ एनर्जी है। यहां पर ये जो बाहर निकला इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, मान ले के वो काइनेटिक एनर्जी है। इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसके पास के नहीं होगा, बल्कि इसके पास काइनेटिक एनर्जी लेस देन के होगा, थोड़ा कम होगा। सो इन एनर्जीज को, इस इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि यहां पर इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी को हम इक्वेशन से डिपिक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इसी का एनर्जी को हम इक्वेशन से डिपिक्ट कर सकते हैं। और वो इक्वेशन क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा वो कितना होगा, यहां से देखें, इतना इस फोटोन का जो एनर्जी है इतना एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को मिला। अब उससे खर्चा हो गया वर्क फंक्शन, और बचा रहा काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनर्जी उसे मिला, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है, ब्लू लाइट का जो फ्रीक्वेंसी है, मान ले ये न्यू है, तो जो एनर्जी उसने अब्सॉर्ब किया वो तो एच न्यू है। ये बराबर होगा इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो हम इसे नाम दे देते हैं के मैक्स, और बाकी सबका काइनेटिक एनर्जी जो है वो इतना नहीं है, उससे कम है। तो ये किसका बराबर होगा, ये अब्सॉर्ब हुआ, कुछ खर्चा हो गया इलेक्ट्रॉन का, और बचा रहा ये काइनेटिक एनर्जी के मैक्स। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें ये मिलेगा, क्योंकि यही दो पार्ट में स्प्लिट हुआ ना, एक पार्ट सरफेस को ब्रेक करने में वर्क फंक्शन में, और दूसरा पार्ट जो है वो वहां पर स्टोर रहा इलेक्ट्रॉन में उसके काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। तो यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। थोड़ा आगे और बढ़ जाता है एक स्टेप तो और बेहतर फॉर्म बनेगा। यहां पर, यहां जो फाई है इसे सब्स्टिट्यूट कर दे इससे, तो हम कह सकते हैं कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इससे आगे, कि जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये बराबर होगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के। सो ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। तो यहां से हम आगे बढ़ते हुए यदि ये देखेंगे कि इस थ्योरी से किस तरह से मिलिकन ने प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता किया था, तो ये हो गया आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन।
फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. अब क्या है, ये जो काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये कितना है ये तो हमें नहीं पता, इसे हमें पता लगाना होगा. कैसे पता लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं. यहां इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो है, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. अब अगर किसी तरह से हम यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, चलिए देख लेते हैं. सबसे पहले देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे. थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि अगर इस जॉकी को यहां से हम हटा के थोड़ा अंदर यहां पर प्लेस करते हैं तो होगा क्या, कि इतना जो पाथ है इसके लिए V इज इक्वल टू आई आर, इस फॉर्मूले से हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा. जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों प्लेट्स के बीच होगा. आप अगर ध्यान से देखेंगे कि ये पॉजिटिव टर्मिनल इधर जुड़ा हुआ है और करंट का फ्लो जो है इस डायरेक्शन में होगा, तो इस डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, घटेगा. मतलब ये हायर पोटेंशियल में रहेगा और ये लोअर पोटेंशियल में रहेगा. सो हमने ऐसा किया, ऐसा करने से हमें दिखा कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बना. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना ये हम कैसे पता लगाएंगे. पोटेंशियल डिफरेंस पता लगाने के लिए हमने यहां पर जोड़ दिया एक वोल्ट मीटर को, ऐसे वो बताएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है. कैसे बताएगा, अगर ये वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ा हुआ रहे तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा. और अगर आप देखें इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेगलिजिबल है, तो हम ये मान के चलेंगे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा. उसी तरह से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा. मतलब ये है कि यहां पर इन दोनों प्लेट्स का ही पोटेंशियल डिफरेंस ये वोल्ट मीटर बताएगा. सो हमने इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे थोड़ा सा बढ़ाया और इस प्लेट का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, इस प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा. जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपको यहां दिखेगा. अब ये चूंकि लोअर पोटेंशियल में है और ये हायर पोटेंशियल में है, तो ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, आने नहीं देगा. तो अभी मान ले कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम है, तो इसके पास तो काफी ज्यादा एनर्जी है और इसके पास सबसे कम एनर्जी है, तो सबसे कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन को ये रोक देगा. लेकिन इसके पास इतना एनर्जी है कि ये यहां पर पहुंच जाएगा. इसके पास भी मान ले कुछ एनर्जी है, ये यहां तक पहुंच गया, लेकिन ये नहीं पहुंच पाया क्योंकि इसके पास बहुत कम एनर्जी था. इस प्लेट का जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो इसे रोक दिया, इसे पीछे की तरफ धकेल दिया और आने नहीं दिया. अब क्या है, हमने पोटेंशियल डिफरेंस को और थोड़ा बढ़ाया, हमने यहां पर जॉकी को और थोड़ा आगे प्लेस कर दिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का और बढ़ गया. ये और ज्यादा नेगेटिव टर्मिनल में चला गया रिलेटिवली इसके रेस्पेक्ट में. तो अब ये और ज्यादा रेजिस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को आने से, और ज्यादा धकेलेगा. अब एक समय ऐसा आया कि सिर्फ ये पहुंच पाया, मान ले. अब भी यहां पर एमिटर में हमें करंट दिख रहा है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन्स है वही यहां पर पहुंच पा रहा है. अब धीरे 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 हमने जॉकी को बहुत धीरे 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 यहां से हटाया और यहां पर हमने देखा एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि यहां एमिटर में कोई भी डिफ्लेक्शन हमें नहीं दिख रहा है. अब एमिटर में डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा मतलब जस्ट अभी इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना बंद कर दिया है. अब इलेक्ट्रॉन ठीक प्लेट के आसपास पहुंच के वापस रिपेल्ड हो रहा है, यहां पहुंच के ये रिपेल्ड हो रहा, जस्ट रिपेल्ड हो रहा. थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस को घटा दे तो ये यहां तक पहुंच जाएगा. मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस कर रहा है, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जिसके पास है, उतना एनर्जी इस बीच का जो फील्ड है वो उतना एनर्जी से उसे रेजिस्ट कर पा रहा है. अब तो हम यहां से ये जो पोटेंशियल है इसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा पोटेंशियल है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसे रेजिस्ट कर रहा है. और इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल को हम यहां वी नॉट से डिनोट करते हैं, कैपिटल वी. तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो यहां से यहां तक आएगा
पोटेंशियल डिफरेंस जहां वी नॉट है, इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट है तो इलेक्ट्रॉन को इतना सा पोटेंशियल डिफरेंस ट्रैवल करने में कितना एनर्जी लूज करना होगा, ये गेन नहीं करेगा लूज करेगा। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल होता, ये पॉजिटिव होता तो गेन करता, अभी चूंकि ये उल्टा है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो ये अपने एनर्जी को लूज करेगा। तो एक सर्टन पोटेंशियल डिफरेंस में एक चार्ज कितना एनर्जी लूज करता है, तो एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसी लॉजिक से हम ये कहेंगे कि ये जो एनर्जी लूज करेगा, मान ले ये ई से हम डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी जो लूज करेगा ये बराबर होगा एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई, वैसे तो नेगेटिव ई होता है लेकिन हम यहां पर इसे, इसका जो साइन है उसे इग्नोर करते हुए चलेंगे, हम सिर्फ वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं। हमने पहले ही पॉजिटिव नेगेटिव, किधर से किधर रिपल होगा, किधर अट्रैक्शन होगा, ये सब हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है, तो अभी इसका जो साइन है वो मैटर नहीं करेगा। सो इसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ई और जो पोटेंशियल डिफरेंस ये ट्रैवल कर रहा है वो है वी नॉट, तो इतना एनर्जी वो लूज करेगा। और ये वो सिचुएशन है जहां पर जस्ट मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पा रहा है और बिल्कुल प्लेट के आसपास से वापस आ रहा है, मतलब हम कह सकते हैं मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन के पास इतना एनर्जी है जो कि इसके बराबर है। तो यहां पर जो के मैक्स है उसे हम इस वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए के मैक्स जो था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे लिए एक अननोन वैल्यू था, हमें नहीं पता था वो कितना है। हमने थियोरिटिकली देखा था कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, लेकिन कितना होगा वो हमें नहीं पता था। अब हमें प्रैक्टिकली पता चल गया कितना होगा, क्योंकि वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस को इंडिकेट कर रहा है जिसे कि हमने वी नॉट से डिनोट किया है। तो अब हम यहां पर इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा, वो इक्वेशन कुछ ऐसा होगा कि ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू भी नोन है क्योंकि हमें पता है कौन सा फोटोन के कारण ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, माइनस एच न्यू नॉट, ये न्यू नॉट भी नोन है जिसे कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। हमने ये देखा था कब जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू किया था, इस केस में जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होना शुरू हुआ था इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन के कारण, तो इसका भी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, तो ये दोनों नोन टर्म्स हैं। तो यहां से आप इक्वेशन बना सकते हैं, मैं एक लाइन जंप कर रहा हूं, एच इज इक्वल टू ई वी नॉट डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू नॉट, यहां से कॉमन आउट कर दे इसको तो आप इस इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। सो इस थ्योरी से आगे चल के मिलिकन ने प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता किया था। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगले वीडियो तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।